वहीं एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज अपने नामांकन का चौथा सेट दाखिल करेंगे। इसके बाद रामनाथ कोविंद समर्थन जुटाने के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में कर्ज माफी के प्रावधान से किसान नाराज हैं। महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफी के लिए किए गए कई प्रावधानों से किसान नाराज हैं, जिस पर उन्होंने सीएम फडणवीस से मुलाकात की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि किसानों के जो भी मसले हैं वो बातचीत से सुलझा लिए जाएंगे। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार से उन 40 लाख किसानों के नामों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की जिन्हें कर्ज माफी देने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में कर्ज से परेशान एक किसान ने खुदकुशी कर ली। गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी पेंशन रोके जाने पर यूपी सरकार से नाराजगी जताई। बूढ़ा तो कहाँ जाएंगे भाई, पेंशन हमें देनी चाहिए। गाजियाबाद पुलिस ने खाली प्लॉट और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में 9 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया। देहरादून के पास लक्सर में एक घर में घुसे 10 फीट लंबे मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने पकड़कर गंगा में छोड़ दिया। एसपी नेता मुलायम सिंह यादव ने रेप के आरोप में लखनऊ जेल में बंद गायत्री प्रजापति से मुलाकात की। प्रजापति को साजिश के तहत बताया गया, कोई बता दे प्रजापति क्या। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विपक्ष के बेरोजगारी बढ़ने के आरोपों पर सफाई दी कि उनकी सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने पर जोर दे रही है। नितिन गडकरी ने कुछ अधिकारियों पर ये आरोप भी लगाया कि वो बेवजह कामों में रुकावट डालते हैं। हमारे देश में जिसके हाथ में आता है वो काम बंद करने में बड़े रुचि रखते हैं। कर्नाटक के उड़ुपी में श्री कृष्ण मठ में इफ्तार पार्टी के आयोजन पर श्रीराम सेना समेत कुछ संगठनों ने नाराजगी जताई। गुजरात के राजकोट में 29 जून को जिस जगह पर पीएम मोदी का रोड शो और जनसभा होगी वहां से 4 जहरीले सांप मिले। चीन में अच्छे प्रदर्शन के बाद आमिर खान की फिल्म दंगल ने दुनिया भर में 2000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं, सोचा दिया है मार मार के। क्यों मारा? मन्ने ना मारा था, जित्ता बबित्ता ने मारा है। फिल्म दंगल 2000 करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंचने वाली पहली भारतीय फिल्म है। अंग्रेजी को छोड़कर दुनिया की दूसरी भाषाओं की सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म। सूरज मेरा चढ़ता।